नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। पनीर सेल्वम की जगह तमिलनाडु की नई मुख्यमंत्री होगी शशिकला नटराजन। तमिलनाडु में एकेडीएमके विधायक दल की बैठक में शशिकला नटराजन को विधायक दल की नेता चुन लिया गया। खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम ने वीके शशिकला के नाम का प्रस्ताव अन्नाद्रमुक विधायक दल के नेता के रूप में किया और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब शशिकला नटराजन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। लोकसभा उपाध्यक्ष एम थंबीदुरई समेत अन्य ने मुख्यमंत्री पद पर शशिकला को बैठाए जाने का समर्थन किया था। शशिकला के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा पर कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास दिखाई दिया। पनीर सेल्वम ने जनता को धन्यवाद दिया। शशिकला ने कहा कि सरकार अम्मा के सिद्धांतों को फॉलो करेंगी। सूत्र बताते हैं कि राज्य के तीन वरिष्ठ नौकरशाहों से शुक्रवार को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। जिन लोगों से इस्तीफा मांगा गया था उनमें राज्य सरकार की मुख्य सलाहकार शीला बालकृष्णन भी थी। शीला को जयललिता का सबसे भरोसेमंद अधिकारी माना जाता है। गौरतलब है कि गत वर्ष 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद शशिकला को पार्टी का महासचिव बनाया गया था। शशिकला लगभग 3 दशक तक जयललिता के करीबी सहयोगी रही है और उन्होंने हमेशा अन्नाद्रमुक में सत्ता के केंद्र के रूप में देखा जाता रहा है। एआईडीएमके पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के देहांत के बाद पार्टी में उपज सत्ता के 2 केंद्रों का विवाद खत्म करना चाहती थी। पार्टी इसके लिए अब शशिकला को सीएम बनाकर विवाद का हल करना चाह रही थी। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर बर्फीला तूफान, 100 से ज्यादा लोगों की मौत। चुनाव के बाद 3 तलाक पर प्रतिबंध का फैसला ले सकती है सरकार। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के भारत में विलय का हो जनमत संग्रह। ट्रंप ने कहा कि देश में किसी भी घटना के लिए जज जिम्मेदार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी में भाजपा की आंधी बचने के लिए एकजुट हो रहे विरोधी।